नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पशु पक्षियों के बारे में। पशु पक्षियों की अगर आप सेवा करते हैं उसका किस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। पशु पक्षियों पर अगर आप अत्याचार करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव हम सबको किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस सबके बारे में हम बातचीत करेंगे विस्तार के साथ पंडित जी के साथ। शुरुआत कर लेते हैं आज के गुडलक मंत्र के साथ। बहुत सारे लोग शौक में पक्षियों को कैद करके रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि कभी भी पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप पक्षियों को कैद करके रखेंगे तो आपको कर्ज की समस्या होगी और संपत्ति आपकी क्षय होगी, संपत्ति का आपको नुकसान होगा। जो लोग पक्षियों को कैद करते हैं वो कर्ज के और बीमारियों के शिकार जरूर होते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 25 अगस्त यानी रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 25 अगस्त 2024 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 4:45 तक चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:29 तक राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ ही। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया, हम बात करने जा रहे हैं पशु पक्षियों से हमारे जीवन का और भाग्य का संबंध क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, पंडित जी वो भी बता दीजिए। जी, जैसा शगुफ्ता ने शुरुआत में ही कहा कि पशु पक्षियों की देखभाल करना आपके जीवन पर असर डालता है और उनके साथ अत्याचार करना आपके जीवन पर बुरा असर डालता है, ये बात लगभग निश्चित है। पशु पक्षियों से जीवन और भाग्य का क्या संबंध है? देखिए, सृष्टि की हर चीज संपूर्ण रूप से ईश्वर से संबंध रखती है, इसीलिए हर चीज का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। हमारे आसपास की चीजें, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, वस्तुएं, लोग हमारे जीवन पर असर डालते हैं। इनके गड़बड़ होने पर या इनके साथ सही व्यवहार न करने पर भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है। इसीलिए समाज और जीवन की हर चीज के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि नदी में कौन सा प्राण होता है, नदी गंदी करो, पेड़ पौधों से क्या नुकसान फायदा है, पेड़ काटते रहो। हर चीज आपकी जिंदगी पर असर डाल देगी, इसीलिए हर चीज के साथ और प्रकृति के साथ एक बैलेंस व्यवहार आपका होना चाहिए। पशु पक्षी भी आपके अच्छे व्यवहार के लिए रहते हैं, आप उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो पशु पक्षियों का हम सबके जीवन पर किस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो सब जानेंगे। अब बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन की बारी। मेष राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, संपत्ति के काम आपके हल होंगे, करियर की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं आपकी पशु पक्षियों के साथ हमारे संबंध आखिर क्या हैं और कैसे होते हैं। ये प्रकृति की हर चीज के साथ हमारा संबंध है, तो पशु पक्षियों के साथ हमारा क्या संबंध है ये समझते हैं। देखिए, पशु पक्षी समाज के निचले पायदान पर होते हैं और इसीलिए इनका सीधा संबंध होता है शनि के साथ। ये हमारी समस्याओं को घटा और बढ़ा सकते हैं। इनके संपर्क से स्वास्थ्य और धन के मामलों पर सीधा असर पड़ता है। जब आप पशु पक्षियों की सेवा करते हैं और इनकी देखभाल करते हैं तो आपकी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलता है और जीवन में धन का लाभ होता है। जो लोग पशु पक्षी की सेवा सहायता करते हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। साथ ही साथ जीवन में सामान्यतः धन का अभाव नहीं होता और ऐसा कहा जाता है कि जब आप पशु पक्षी की सेवा सहायता करते हैं तो बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा खतरा आपका टल जाता है। और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या वालों की। इनका वक्त कैसा रहेगा वो जान लेते हैं। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी,
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, आपका ही सवाल लेने का वक्त आ चला है। उससे पहले आपको एक बार सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई प्रश्न अगर पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपनी तमाम क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों को इस शो में सम्मिलित करेंगे। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। जी, आज का पहला प्रश्न सोम शंकर जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। अपने पुत्र के लिए जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 25 जुलाई 2006, 9:08 प्रातः, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र मेरे बेटे के लिए कैसा है, क्या मेरे बेटे को भविष्य में सरकारी नौकरी मिल सकेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। सोम शंकर जी, आपके पुत्र की कुंडली है सिंह लग्न की और राशि बनती है कर्क। देखिए, इनका चंद्रमा अस्त है और शनि के साथ है। निश्चित रूप से कुंडली में भटकने की, गलत संगति में जाने की, मानसिक समस्या होने की संभावना दिखाई देती है। इसीलिए आप अपने बेटे के ऊपर ध्यान बनाए रखिए, बेटे का ध्यान रखिए कि कहीं वो भटके नहीं या किसी मानसिक समस्या का शिकार ना हो। इंजीनियरिंग का क्षेत्र आपके बेटे के लिए बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर की इंजीनियरिंग में आपका बेटा सफलता पा सकेगा। आप ऐसा करिए, अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहनाइए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा बनवा के पहना दें। और दूसरा, आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। और चलिए आगे बढ़ाते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को, और आज के शो का दूसरा प्रश्न भी जान लेते हैं कि कौन सी दिक्कत पंडित जी तक पहुंची है और समाधान आप कर रहे हैं। पंडित जी, जी अगला प्रश्न हमें श्रीमती कांता ने लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं।
पुत्री की जन्म तारीख है 4 नवंबर 1989, जन्म का समय सुबह के 6:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कांता जी, आपकी पुत्री का विवाह साल 2025 में होने की संभावना बनती है, अप्रैल से लेकर के दिसंबर के समय के बीच में इनका विवाह होना चाहिए, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। आपकी पुत्री का विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, इसके लिए उनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहना दें और इनको बोलें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, चर्चा लगातार चल ही रही है पशु पक्षियों के बारे में। अब ये सवाल आ जाता है कि किस तरह से पशु हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। पंडित जी, अब ये जानते हैं कि पशु किस तरह से हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आप पशुओं की सहायता करते हैं, गाय की, भैंस की, कुत्ते की, तो शनि की पीड़ा कम होती है और पशुओं की देखभाल करने से, उनको चारा देने से, उनकी सेवा सहायता करने से जीवन का संघर्ष घट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पशुओं की सेवा सहायता करते हैं तो आकस्मिक दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होती है। अगर आप पशुओं को नियमित रूप से चारा खिलाएं, गाय को, कुत्ते को, भैंस को, तो जीवन में अन्न जल का अभाव नहीं होता, जीवन में अन्न जल की समस्या नहीं रहती। और रोगी पशुओं की अगर आप देखभाल करते हैं, बीमार पशुओं की देखभाल करते हैं, तो उससे पशु तो स्वस्थ होता ही है, आपको भी बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात मिल जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब आप पशुओं के संपर्क में रहते हैं, उनकी देखभाल और सेवा सहायता करते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या टल जाती है। इसीलिए पशुओं की देखभाल और सेवा सहायता करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और चलिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है अगली 3 राशियों का वक्त भी जान लेने की। बारी है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा,
काफी व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए पशुओं के बारे में तो हमने जान लिया, पंडित जी से ये जानते और समझते हैं कि किस तरह से पक्षी हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो पशु आपके जीवन को कैसे बेहतर करेंगे ये आपने समझ लिया। पक्षी आपके जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो जान लेते हैं। पक्षियों को अगर आप दाना देते हैं, कबूतरों को या अन्य पक्षियों को, तो राहु की पीड़ा कम होती है। नियमित रूप से पक्षियों को दाना देने से राहु की पीड़ा और राहु की बाधा कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात, इससे आपके जीवन के उतार चढ़ाव भी कम हो जाते हैं। अगर आप पक्षियों को पिंजड़े से छुड़ा देते हैं या नियमित रूप से छुड़ाते हैं तो कर्ज और मुकदमे से आपको राहत मिलती है और घर की कलह से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आप पक्षियों को शनिवार के दिन पिंजड़े से छुड़ाना शुरू करिए। कर्जे आपके कम होते जाएंगे। और अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं, जेल आदि की संभावना बन रही है, किसी झंझट में आ गए हैं कोर्ट कचहरी के, तो आप पक्षियों को नियमित रूप से पिंजरे से छुड़ाते रहिए। आप मुकदमे की, कोर्ट कचहरी और जेल की समस्या से बच जाएंगे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं राशिफल के सिलसिले पर। आते हुए अंतिम तीन राशियों का वक्त भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन की बारी है, इनका वक्त कैसा रहेगा वो जान लेते हैं। मकर राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रिश्ते आपके बेहतर होते जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ, और ये जानते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि कई घरों में लोग पशु पक्षी रखते हैं, तो पहले तो रखते हैं तो उसके बारे में सावधानियां बता दीजिए, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है हम सबके जीवन में वो भी बता दीजिए। जी देखिए, बहुत सारे लोग पशु पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालने की मैं सलाह नहीं दूंगा, पक्षियों को पालना किसी भी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं होता। जो पालतू स्वभाव के पशु हैं, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, इनको आप जरूर पाल सकते हैं, लेकिन जब आप इनको पालेंगे तो इनकी देखभाल पूरी तरीके से करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, इनके साथ अत्याचार नहीं करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। आप अगर अपने घर में पशु पालते हैं और उसकी देखभाल नहीं करते, उसके साथ मार पीट करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो इसके प्रभाव आपके लिए बहुत अशुभ हो सकते हैं। और चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन से दर्शक का सवाल आप तक पहुंचा है। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें हर्षवर्धन जी ने लिखा है, और हर्षवर्धन जी मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 सितंबर 1982। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं, मेरी नौकरी में परिवर्तन कब होगा और उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूं। हर्षवर्धन जी, आपकी कुंडली में नौकरी में और स्थान में परिवर्तन का समय चल रहा है, और इसी साल के अक्टूबर नवंबर में नौकरी भी बदलेगी और स्थान भी बदलेगा, और वो आपके लिए कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। आने वाला समय आपका बढ़िया है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नौकरी बेहतर तरीके से बदल सके इसके लिए रोज सुबह और रोज शाम ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का जप करें, और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए बारी आती है आज के शो का अंतिम प्रश्न भी जान लेने की। आज के शो का आखिरी सवाल कौन से दर्शक ने पहुंचाया है पंडित जी तक, पंडित जी से जान लेते हैं। जी आज का अंतिम प्रश्न हमें अदिति ने लिखा है, और अदिति हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1994। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अदिति, आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से अवश्य होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा दिखाई दे रहा है।
विवाह के बाद आपका स्थान परिवर्तन हो जाए और आप विदेश चली जाएं, इस बात की संभावना भी आपके लिए बन रही है। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 25 अगस्त को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 25 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर और धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी। विदेश से या दूर के स्थान से लाभ के योग बन रहे हैं। इस साल संपत्ति और वाहन का लाभ भी आपको हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें, ओम केम केतवे नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि शो के अंत तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं जिज्ञासा के बारे में, जो आज के शो की जिज्ञासा कौन सी है वो भी जान लेते हैं। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप वाहन खरीदने जा रहे हों, गाड़ी खरीदने जा रहे हों, तो किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे? वाहन खरीदने में सबसे ज्यादा ध्यान इसके रंग का रखना चाहिए। अगर रंग आपके लिए अनुकूल नहीं हुआ तो वाहन का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। वाहन का मॉडल, उसका नंबर, ये सब आप बाद में देखिएगा, पहले वाहन के रंग पर फोकस करिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और चलिए अब बात करते हैं 25 अगस्त 2024 यानी रविवार के शुभ पहर के बारे में। 25 अगस्त 2024 दिन रविवार शुभ पहर का समय है। शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में इस समय में हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बारी आ जाती है आपकी राशि जानने की, यानी आज की गुडलक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के संबंध अपने भाई बहन के साथ कैसे रहते हैं। आज की गुडलक राशि है तुला। इनके संबंध अपने भाई बहन के साथ उत्तम रहते हैं और इनको अपने जीवन में अपने भाई बहनों का सहयोग मिलता रहता है। और चलिए शो के एंड के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तमाम उपायों के बारे में जानकारी आपने प्राप्त कर ली है, बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की। तो पंडित जी, महा उपाय के बारे में जान लेते हैं। जी, आप विदेश जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर विदेश जाने में अड़चन आ रही है तो क्या करेंगे?
रोज सवेरे जल में काला तिल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। रोज सुबह और शाम 108 बार ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। हर शनिवार को कुत्तों को रोटी बिस्कुट या ब्रेड खिलाइएगा। ये उपाय लगातार एक महीने तक करें, आपके विदेश जाने की संभावना बन जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के बारे में जानकारी देने के लिए और तमाम उपाय हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, तो आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।